हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर कैसे बनाएं। आज हम यहां पर 7 बातों पर बात करेंगे जो पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बना सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करेगा। नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। अब चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी भी है कि आप अपने पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत समझिए। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, बहुत अहम रिश्ता होता है। ये बच्चों का पालन पोषण करना या फिर एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, यहीं तक सीमित नहीं है। ये इसी के लिए नहीं बना है। ये एक अहम रिश्ता होता है। ये होता है दो दिलों का मिलन होता है। दो लोग होते हैं शादी के बाद जो एक हो जाते हैं, उनके सुख दुख एक हो जाते हैं। उनमें ऐसा नहीं है कि एक की तारीफ करे तो दूसरा परेशान हो जाता है। ऐसा रिश्ता नहीं होता। ये एक अहम रिश्ता होता है। ये आंतरिक रिश्ता होता है। ये दो दिलों का संगम होता है। इसकी अहमियत समझिए। जब हम रिश्ते की अहमियत ही भूल जाते हैं, बस हमें जिम्मेदारियां ध्यान रहती हैं। अब बच्चों का पालन पोषण करना है, पति के लिए खाना बनाना है, अब ये काम करना है, ये समझते हैं। आप इस रिश्ते की अहमियत इसी से समझिए कि देखिए, आप दोनों एक दूसरे को अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। सारी बातें इस रिश्ते में शेयर की जाती हैं। जहाँ पर आप कुछ बातें पेरेंट्स को नहीं बता सकते हैं, माता पिता का रिश्ता बहुत अहम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है, लेकिन हम उनको भी सारी बातें नहीं बता सकते। दोस्त का रिश्ता होता है, बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन वहाँ पर भी हम सारी बातें बताएंगे तो हो सकता है दोस्त हमारी रिस्पेक्ट ना करे, हो सकता है हमारी दोस्ती ना रहे। लेकिन ये रिश्ता, इसमें दोस्ती भी होती है, इसमें अपनापन भी होता है, इसमें वो प्यार भी किया जाता है। जहाँ जो हमारे माता पिता ही हमें प्यार करते हैं, वो पार्टनर को वो प्यार दिया जाता है। यानी कि ये रिश्ता उनसे भी बढ़कर हो जाता है। इसमें हम अपने सारी बातें शेयर कर सकते हैं। आप इस रिश्ते की अहमियत समझिए। अब आप दोनों एक हैं, अपने रिश्तों को मानिए, अपनी एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करिए, एक दूसरे के सुख दुख का भागीदार बनिए। आप दो नहीं हैं, अपने आप को एक समझिए, तभी आपको इस रिश्ते की अहमियत समझ में आएगी। तभी आपको पता चलेगा कि ये रिश्ता कितना ज़रूरी है, क्या है ये रिश्ता। और आजकल जहाँ पर लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, वो इसी वजह से होती है कि रिश्ते की अहमियत ही भूल जाते हैं। बस उनको ध्यान रहता है, तो बच्चों के लिए ध्यान रहता है या फिर घर के कामों में ध्यान रहता है। उसने मेरा काम में मेरी हेल्प नहीं कराई, उसने ये नहीं किया, उसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने मुझे सम्मान नहीं दिया, ये ध्यान रहता है। लेकिन एक दूसरे को क्या सपोर्ट करना है, एक दूसरे दिल से जुड़ गए हैं, ये सब भूल जाते हैं। दूसरी बात, देखिए, इस रिश्ते में ना कुछ भी छुपाया नहीं जाता, अपनी बातें शेयर की जाती हैं। अच्छे से बताया जाता है कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। जब एक दूसरे को पसंद नापसंद हम सुनेंगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए अपनी बातें छुपाइए मत, अपनी सारी बातें अपने पार्टनर के साथ शेयर करिए। तीसरी बहुत ज़रूरी बात है जो पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाती है, वो होती है कि इस रिश्ते के बीच में ना ईगो नहीं आना चाहिए। जहाँ पर कितनी बार ईगो आ जाता है कि अरे लड़ाई झगड़े हो गए तो वही मनाएगा या वही मनाएगी, हर बार वही मनाता है, हर बार वही मनाती है, ये चीज़ें, ये ईगो, ये इस रिश्ते में नहीं होना चाहिए। उस वो हर बार मनाता है या हर बार मनाती है, इस बार नहीं मनाया तो आप मना लीजिए, आप सॉरी बोल दीजिए, वहीं पर अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो भी लड़ाइयाँ हो गई, वहीं पर ख़त्म कर लीजिए। फिर क्या होता है कि तब तो सॉरी नहीं बोलेंगे, फिर 15 दिन 10 दिन बाद एक बड़ा सा मैसेज करते हैं या बड़ा सा नोट लिखते हैं, तब सॉरी बोलते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इतने बड़े नोट की कोई ज़रूरत नहीं, आप तुरंत ही सॉरी बोलकर अपनी बातें वहीं पर निपटा लीजिए। इसलिए इस रिश्ते में ईगो की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी ईगो आएगा तो रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। चौथी बात, देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आपके रिश्ता 1 साल 2 साल 4 साल पुराना होने लगता है, तो कितनी बार ये भी कमेंट्स आता है कि रिश्ते में ना आप वो प्यार नहीं है जो पहले था, जो प्यार आपके रिश्ते में पहले था वो अब नहीं है। उसका रीज़न बहुत बड़ा है कि आप दोनों ने एक दूसरे से वो लगाव, वो अटैचमेंट ख़त्म कर चुके होते हैं।
आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, सबका ध्यान रखिए, लेकिन अपने पार्टनर को भी अपना कीमती समय देना मत भूलिए। उनकी बातें ध्यान से सुनना, वे क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कितनी बार ना ये होता है कि जैसे एक पत्नी है घर में रहती है वो, और उसकी दूसरे लोगों से कुछ कहासुनी भी होती है, घर में कहासुनी सभी के होती है, वो अपने पति को बताती है और पति उनको ये कहकर टाल देते, तुम तो यही बातें करती हो, फालतू की बातें करती हो, तुम परेशान करते हो, या पति कुछ ऐसा समझाते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स मतलब मायके वाले ऐसा करते हैं, तो पत्नी भी अपने पति को यही कहती है कि तुम तो फालतू की बातें करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कहकर अपने पति को या अपने पार्टनर को ना टालें, क्योंकि कुछ भी फालतू नहीं होता। उनको किसी बात से परेशानी है, वो आपको अपना समझकर आपके पास आए हैं, और आपने क्या किया, आपने उनको फालतू कहकर उनको वहाँ से टाल दिया, उनकी बात ही नहीं सुनी। उनकी बातों को सुनिए, वो परेशान है तभी आपके पास आए, तभी आपको अपनी परेशानी बता रहे, चाहे वो आपके पति हैं या फिर पत्नी है। आपका पार्टनर अगर वो परेशान है आपकी बात से, आपके ससुराल वालों से, आपके मायके वालों से, या फिर किसी से भी वो परेशान है, आपके परिवार से, एक दूसरे से, तो उनकी बातें ध्यान से सुनिए। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिस वजह से वो परेशान होते हैं, तो फालतू कुछ नहीं होता। उनकी बातें ध्यान से सुनिए, उनकी बातों को सुनने के लिए समय रखिए, तभी आपको पता चलेगा। पांचवी बात, देखिए आपको जैसे कि आपके परिवार में या आपके पार्टनर के बीच जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, आपको उनको सुनना है और उनको दूर करना है, बल्कि दूर ही नहीं करना है, उनको हटाना ही है, ताकि वो दोबारा से ना आए। जो भी परेशानी, जो भी समस्या है, मैं यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं बता रही हूँ कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, जो भी समस्याएं हैं, आपका पार्टनर आपको कुछ भी बताते हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको वो फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो परेशान है, तो आपको उनको दूर करना है, उनको हटाना ही है, ताकि वो दोबारा से ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि इन समस्याओं के चलते आपके रिश्ते पर असर पड़ जाए, आपको भी रिश्ते में वो प्यार ख़त्म हो जाए, मनमुटाव आ जाए, दोनों में दूरियां बन जाए। इससे पहले ही आप उन समस्याओं को देखिए और उनको दूर करें, ताकि वो दोबारा से ना आए। अब जानते हैं छठी बात, वो होता है सम्मान। देखिए चाहे पति पत्नी के रिश्ते में कितनी भी लड़ाइयाँ है, चाहे पति पत्नी के रिश्ते में कितना भी झगड़ा है, लेकिन सम्मान कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और एक दूसरे का तो सम्मान करें, एक दूसरे के जो परिवार वाले हैं उनसे भी अपने पार्टनर का सम्मान कराइए, और वो तभी होगा जब आप अपने पार्टनर का सम्मान करेंगे। आप सम्मान करेंगे तो दूसरे भी सम्मान करेंगे, लेकिन अगर आप उनका तिरस्कार करेंगे, अगर आप उनकी बेइज्जती करेंगे, आप ही सम्मान नहीं करते तो दूसरे क्यों करेंगे। अपने पार्टनर का दिल से सम्मान करिए, उनको दिल से स्वीकार करिए। सातवीं बात, धैर्य रखें। आज शॉपिंग नहीं कराई, आज बाहर खाना नहीं खिलाया, आज घुमाने नहीं ले गए, आज मेरी बात नहीं मानी, मैं जो चाहती थी, मैं जो चाहता था वैसा काम नहीं किया, तो गुस्सा मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और 8-10 दिन 15 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, धैर्य रखें। अगर आज आपको शॉपिंग नहीं कराई, आज आपकी पसंद का खाना नहीं बनाया, तो क्या हुआ, कल बन जाएगा। कल भी नहीं बना तो परसों हो जाएगा वो काम, और परसों भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, आजकल ना स्टेटस का ज़माना है, हर कोई स्टेटस लगाता है, बस उसी स्टेटस की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। उस मेरी फ्रेंड कहीं घूमने गई थी, उसने अपना स्टेटस लगाया, तो मुझे भी तो स्टेटस मेंटेन करना है, मुझे भी लगाना है। मैंने उसको कल बोला था कि अच्छा आज तुम गई हो, कल मैं भी जाऊँगी, मैं भी अपने पार्टनर के साथ जाऊंगी। कितनी बार होता है ना, महिला यही करती है और पति को समय ही नहीं होता, वे ऑफिस में बिजी होते हैं, वो नहीं जा पाए, तो गुस्सा मुंह फुलाकर, मैंने तो उसको बोला था मैं अपना स्टेटस लगाऊंगी, मेरी तो बेइज्जती हो गई। इस वजह से अननेसेसरी पॉइंट पर घर में झगड़े होते हैं, मनमुटाव का कारण बनता है, घर में अननेसेसरी के खर्चे भी बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा होगा। इसलिए अपना पेशेंस बनाए रखिए, आज नहीं तो कल हो जाएगा, और अगर कोई ज़रूरी ही नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपने पार्टनर पर विश्वास रखिए, उनका दिल जीतिए, उनका प्यार जीतिए। आई होप आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नए है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।